हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 78 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के पेपर हम हल कर रहे हैं। आज जो है हम 4 सितंबर 2017 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर स्टार्ट करेंगे, 3 बजे का पेपर स्टार्ट करेंगे। इस भाग में या इस सेट में हम जो है प्रथम टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का। इसके 40 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इन 40 प्रश्नों को आप अपने अनुसार हल कीजिएगा और अपने मार्क्स जो है वो आप जोड़ते जाइएगा। बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपका कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, कौन सा पोर्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग है वो भी बताइएगा। कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट करते हैं लेकिन कुछ बच्चे कमेंट ही नहीं करते हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सभी कमेंट कीजिए और आपके जो अन्य विचार है वो भी कमेंट में हमें कहिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हम आपसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा और आपसे जुड़ने का और दूसरा कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शेर ए पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय को ही शेर ए पंजाब कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सॉरी। विदेश मामलों के मंत्री कौन है? तो विदेश मामलों के मंत्री कौन है, मतलब 2017 की बात है तो उस समय सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, ठीक है। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, ये बात मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर वर्तमान में, सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रहा हूँ तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। और इससे एक और बात मुझे याद आई है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे जो है वो अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन करंट अफेयर्स के कारण जो है मार्क्स कम हो रहे हैं। तो 2017 के पेपर हम हल कर रहे हैं, तो इन पेपरों को आप 2019 के आधार पर सोचिए। जैसे कि विदेश मामलों के मंत्री कौन है, तो सुषमा स्वराज की जगह आपको याद होना चाहिए एस जयशंकर, ठीक है ना, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। सॉरी, मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया। तो वो इस प्रकार से आप करंट से उसको रिलेट करिए तो बेटर रहेगा, और अपने नंबर भी करंट के आधार पर जोड़िए, पहले के आधार पर आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक पंक्ति में 6 अधिकारियों के ऑफिस है, बी के एफ और पड़ोसी डी है। एफ और डी पड़ोसी है, ई के ए और सी पड़ोसी है, ए का ऑफिस नहीं एफ नहीं डी के पास है, सी का ऑफिस डी के पास नहीं, लेकिन किन अधिकारियों का ऑफिस एफ के पास है? तो यहाँ जो बोल रहा है वो 6 अधिकारियों के ऑफिस है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये एक पंक्ति में 6 अधिकारियों के ऑफिस मैंने बना दी। अब यहाँ वो बोल रहा है कि बी के एफ और डी पड़ोसी है, यानी कि बी जहाँ भी बनाऊंगा तो उसके पास में एफ और डी दोनों बनेंगे। ई के ए और सी पड़ोसी है, ए का ऑफिस नहीं एफ और नहीं डी के पास में, ठीक है। सी का ऑफिस डी के पास नहीं है, तो चलिए कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। एक डेफिनेटली इसने कहीं पे भी बिठाने के लिए नहीं दे रखा है, तो देखते हैं बी के एफ और डी पड़ोसी है, तो यहाँ बी बिठा देते हैं, तो इसके पड़ोसी एफ और डी देख लेते हैं, ठीक है। अब ई के ए और सी पड़ोसी है, अब ये ई हो गया, इसका ए और सी पड़ोसी कर देते हैं। ए मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि उसने यहाँ आगे बोल रखा है कि ए का ऑफिस एफ के पास नहीं है और ना ही डी के पास है, तो ए का ऑफिस अलग ही कर दिया अपने। और लास्ट टाइम बोल दिया उसने कि सी का ऑफिस डी के पास नहीं है, मतलब सी का ऑफिस डी के पास है ही नहीं। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ये गलत हो गया, इसको हम और दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये 6 लोगों को बिठाना है हमको, तो बी के एफ और डी पड़ोसी है, तो बी के पड़ोसी जो है ये एफ इस बार यहाँ बिठाते हैं और डी को इस बार यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। और बाकी वही, यानी कि ई के ए और सी पड़ोसी है, तो ई के ए और सी पड़ोसी ही, लेकिन ए का ऑफिस जो है वो एफ के पास नहीं और डी के पास है, तो ए का ऑफिस ना तो एफ के पास बनाया ना डी के पास बनाया, अलग ही बना दिया। सी का ऑफिस डी के पास नहीं, तो सी का ऑफिस इस बार डी के पास नहीं बना है, डी को हमने उधर बैठा दिया।
अब प्रश्न क्या पूछा है, उसने पूछा है किन अधिकारी का ऑफिस जो है वो एफ के पास है। तो एफ के पास कौन बैठा है, सी बैठा है और बी बैठा है, यानी कि बी और सी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सॉरी 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो उस समय चुनाव हुए थे तो हाल ही की बात है, वो 20 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई थी। और 2017 यानी कि वही करंट अफेयर्स, तो यानी कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स की वीडियो जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, तो वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपको डेली देखना है ताकि आपको करंट अफेयर जो है वो पक्के से याद हो जाए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, अंक 40651 के साथ 50,000 से अधिक कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। तो 50,000 से बड़ी संख्या यानी कि आगे 6 ही होना चाहिए। ये देखिए अन्य में तो 6 होगा तभी, तो बाकी संख्या कितनी बच रही है, 4 बच रही है, तो उनको फैक्टोरियल 4 प्रकार से जमा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। लेकिन आगे 5 होगा तो भी 50,000 से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि यहां पर हम आगे 2 संख्याएं बिठा सकते हैं, 6 या 5, और बाकी फैक्टोरियल 4 रहेगा, यानी कि यहां 2 का भी मुझे गुणा करना है, तो ये जो आएगा ये हमारा आंसर आएगा। तो 2 गुणित फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, उल्टा गुणा करना है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 2 4 8, 8 3 24 24 2 48, 48 जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। तो कैलाश मंदिर आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र का है, और कैलाश मंदिर जो है वो अजंता एलोरा गुफाओं के पास में है या उन्हीं के अंदर है, उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मतलब किन वंशजों ने करवाया था तथा किस शासक ने करवाया था, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, आपको बताना है, नहीं पता हो तो भी मुझे पूछिए कि सर आप बताइए हमें कि हमको पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो भी मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है ना। जीके भी जो है आपको कवर करना ही है, ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं करना है, जितना कर सको उतना तो करना ही है। भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप से घोषित किया गया है, तो वो है केरल। तो ये भी उस समय की बात थी 2017 की, इसलिए पूछा गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं मंदसौर जिला जो है वो स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह, तो बुध है वो या मर्क्यूरी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो ये सभी जानते हैं कि उसमें 24 तीलियां हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है, तो वो होता है गहरा नीला। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, यदि वाच को XCWGM से कोडित किया जाता है तो दिल्ली को कैसे कोडित किया जाएगा। तो वाच के लिए WX यानी कि +1, ASSC के लिए +2 हो रहा है, तो T से W के लिए +3 हो रहा है या +4 हो रहा है और यहाँ +5 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसी प्रकार से होगा, तो D से +1 करेंगे तो E आएगा, जो कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद E से +2 करेंगे तो G आएगा, जो सेकेंड और थर्ड दोनों में दे रखा है। L से +3 करेंगे तो O आएगा, जो कि सिर्फ सेकेंड में दे रखा है, तो सेकेंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2016 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वो दिया गया था सत्यव्रत राउत को, ठीक है ना। तो अब इसको आप 2019 या 18 के लिए रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, यदि मैथ्स को LZSGR से कोडित किया जाता है तो जियोग्राफी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो M से L यानी कि -1, सब में क्या हो रहा है -1 ही हो रहा है, A से Z डालने के लिए फिर से -1,
टी से एस लाने के लिए फिर से माइनस वन, एच से जी लाने के लिए फिर से माइनस वन, एस से आर लाने के लिए फिर से माइनस वन, तो माइनस वन ही हो रहा है। तो यहाँ जियोग्राफी में भी माइनस वन करेंगे, तो जी से जब माइनस वन होगा तो एफ, और ई से माइनस वन होगा तो डी, तो एफ डी जो है वो चारों में दे रखा है, ठीक है। अब ओ से जब माइनस वन करेंगे तो एन आएगा, जो कि फर्स्ट में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, सेकेंड जो है वो गलत हो जाएगा। जी से माइनस वन करेंगे तो फिर एफ आएगा, तो एफ ये भी सब में दे रखा है, देखिए। आर से माइनस वन करेंगे तो क्यू आएगा, जो कि फर्स्ट और फोर्थ में दे रखा है, थर्ड फिर से गलत हो जाएगा। ए से माइनस वन करेंगे तो जेड आएगा, जो कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में दे रखा है। पी से माइनस वन करेंगे तो ओ आएगा, जो कि फोर्थ में दे रखा है, फर्स्ट में क्यू दे रखा है, जो कि गलत है, यानी कि फोर्थ ही जो है वो हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इस बार उसने पूछा है कि कौन से शब्द के कोड के लिए निश्चितता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो कौन से कोड के लिए नहीं लगाया जा सकता, तो एन आई बी यहां भी है, एलिफेंट्स यहां भी है, और एलिफेंट्स यहां भी है, ठीक है। लाफ और लाफ, आर और आर, ये भी यहाँ है, यानी कि ये चार चीज़ें जो है वो, ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग कोड तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब यहाँ बी ए आल जो दे रखा है, ये कहीं पर भी नहीं है, यहीं पर है, तो बाल का कोड हम डिसाइड कर सकते हैं, मेमल्स, और नेव जो है वो भी कहीं भी नहीं है, तो नेव का कोड भी हम डिसाइड कर सकते हैं आउट। तो हमारे पास जो है दो शब्द ऐसे हैं, यानी कि एलिफेंट्स का कोड भी हम नहीं बता सकते और आर का कोड भी हम नहीं बता सकते। यहाँ ऑप्शन में दे रखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2017 में फिर से करंट का क्वेश्चन है। करंट जो है वो आपको कवर करना ही है, अगर आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा नंबर से हाथ धो बैठोगे, ध्यान रखना, फिर आपके सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए करंट जो है वो आपको याद करते जाना है। जीके से ज़्यादा जो है आपको करंट याद होना चाहिए, क्योंकि जीके भी जो है वो करंट से ही रिलेट करके पूछा जाता है। 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया था, जो कि अभी बने हुए हैं, तो वेंकैया नायडू को नामित किया गया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इस बार स्वीट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो पहले देखते हैं स्वीट कहाँ लिखा हुआ है। स्वीट लिखा हुआ है यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसके संगत कोई एक अक्षर ऐसा है जो यहीं पे है, तो चार जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो चार तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीन देखते हैं, तीन जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीन जो है वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचता नौ ही है, तो नौ हमारा आंसर है, और एक बार और ढूंढ लेते हैं, तो नो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो स्वीट भी कहीं नहीं है और नो भी कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, इसीलिए स्वीट का कोड जो है वो नो मान लिया हमने। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निष्पक्ष पासा फेंकने पर दो के गुणज आने की क्या प्रायिकता है, तो दो के गुणज होते हैं दो, चार और छः, ठीक है ना, तो टोटल कितने हो गए अनुकूल, एक दो और तीन अनुकूल हो जाएंगे, तीन बटे कुल कितने होते हैं, छः होते हैं, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, एक बटे दो हो गई हमारी प्रायिकता, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ, मतलब पहली बार, तो ये हुआ था दिसंबर 1946 में, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष, ये मुझे कमेंट में बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो है वो मैंने आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, गुजरात के साथ करता है, राजस्थान के साथ भी करता है, महाराष्ट्र के साथ भी करता है, बिहार के साथ जो है मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। पहले करता था सन 2000 से पहले, जब हम छत्तीसगढ़ के साथ मिले हुए थे तब जरूर हम बिहार से सीमा साझा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। अब एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि गुजरात के साथ जो है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की यूपी के साथ, ये दोनों चीज़ें भी याद रखिएगा।
चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य हैं, तो ये थे सुनील सिंधी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था, मतलब उसको डिजाइन किसने बनाया था, ये लिखा हुआ है डिजाइंड बाय, तो सभी जानते हैं चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विषम ज्ञात कीजिए, तो कॉफ़ी, चाय और काजू ये सब नाश्ता की चीज़ें हैं, और चावल जो है वो इट्स क्या बोलते हैं उसको, अनाज है ये, बाकी सब अनाज के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विषम ज्ञात कीजिए, 343, 27 और 125 ये तीनों क्यूब है, लेकिन 13, 21 किसी का क्यूब भी नहीं है, ये 7 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है ना। बाकी 13, 21 किसी का भी क्यूब नहीं है, इसलिए 13, 21 विषम हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये बनाया गोपाल स्वामी अयंगर ने, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ स्थित है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये मुरैना में है, और मुरैना किस संभाग में है, तो मुरैना चंबल संभाग में है, और चंबल संभाग का मुख्यालय जो है वो मुरैना में ही है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो सभी जानते हैं सरोजिनी नायडू। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, भारतीय प्रदेश है, हाँ वही मैं सोच रहा था कि मध्य प्रदेश की नहीं थी ये, तो ठीक है ना। सरोजिनी नायडू जो पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल उसने पूछी है, तो सरोजिनी नायडू है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो अब बनी है, जो कि वर्तमान में है, क्या नाम है उनका, आनंदीबेन पटेल। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश को वो जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है, तो अभी अभी वही बताया मुरैना, मुरैना जो है वो मोर का स्थान, वही चंबल संभाग का मुख्यालय। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, 9, 11, 20, 31 क्या हो रहा है यहाँ, प्लस करके देखते हैं, +2 हो रहा है यहाँ पे, फिर +9 हो रहा है, फिर +11 हो रहा है, नहीं सबसे बढ़िया क्या हो रहा है, दो संख्या जुड़ रही है, 9 और 11, 20 11 और 20, 31 यानी कि 20 और 31 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 51 हो जाएंगे, 51 और 31 82 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, यानी कि 51 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो अब यहाँ फिर से देखते हैं एड वाली सीरीज, तो यहाँ 38 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 68 हो रहा है, फिर यहाँ पे 38 हो रहा है, यहाँ पे फिर 68 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर क्या होगा, 38 होगा, तो 345 में 30 जोड़ेंगे तो 375 हमारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो पहले देखते हैं वही योग सीरीज, सबसे पहले तो वही देखते हैं हम, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ 12 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, 37 में 28 जोड़ेंगे, यानी कि हो क्या रहा है, 12 + 8 = 20, 20 + 8 = 28, तो 28 + 8 क्या हो जाएगा, 36। अब 65 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो 101 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, 5206 और 1023 के अंतर में कौन सी संख्या सैकड़ा के स्थान पर रहेगी, तो 5206 और 1023 को हमको घटाना है, तो क्या बच रहा है, 3, 2 + 8 = 10, 1 + 1 = 2, 4 + 1 = 5, ठीक है, 4183 है, इसमें सैकड़ा के स्थान पर कौन है, तो सैकड़ा के स्थान पर 1 है, तो 1 जो है वो हमारा आंसर है। सैकड़ा तो जानते हो ना, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए, तो देखते हैं क्या क्रम चल रहा है, तो
पाँच और एक छः, छः और चार दस, दस और पाँच पंद्रह, पंद्रह और दस पच्चीस, पच्चीस और पंद्रह चालीस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक हाँ, तो यहाँ जो है वो डबल योग सीरीज लग रही है। एक मिनट में आपको अच्छे से समझा देता हूँ कहीं अलग से लिख के। तो पाँच, छः, दस, पंद्रह, पच्चीस और चालीस, ठीक है। तो पाँच प्लस एक, एक प्लस तीन होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा नौ, ठीक है ना। छः में तीन जोड़ेंगे। अब एक से तीन कैसे आया, तो हमने दो जोड़ा। यहाँ फिर और प्लस वन हो रहा है, दो की जगह हमको तीन जोड़ना है, तीन की जगह फिर मुझे चार जोड़ना है, चार की जगह मुझे फिर पाँच जोड़ना है। यानी कि तीन प्लस तीन क्या जोड़ेंगे, छः, छः और चार दस, दस और पाँच पंद्रह, ठीक है। यानी कि नौ में छः जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पंद्रह, पंद्रह में दस जोड़ेंगे तो आएगा पच्चीस, पच्चीस में पंद्रह जोड़ेंगे तो आएगा चालीस। यानी कि नौ जो है वही सही है, उसकी जगह दस जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर वही दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन हमको पहचानना है। तो यहाँ पर जो है गलत संयोजन ये आप पहचानिए। जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, कीजिए अपने स्तर पर। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस वाली सीरीज है, ठीक है ना। यानी कि वन 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 ज़ीरो जो है वो इसमें ऐड हो। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी वही वन 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 ज़ीरो ऐड हुआ है, यहाँ भी वही हुआ है वन 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 ज़ीरो ऐड। लेकिन यहाँ से जब मैं यहाँ वन 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 ज़ीरो ऐड करता हूँ तो आंसर ये नहीं आते, आंसर आते हैं पाँच छः सात छः आते हैं, लेकिन यहाँ आठ छः लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बस संख्याएं बड़ी दिख रही थी लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा सरल था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। डॉक्यूमेंट को ई पी डी वी एन एफ ओ यू से कोडित किया जाए तो एफ आई जी एच डी एस टी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखते हैं, डी से फिर ई आया यानी कि प्लस वन, ओ से पी आया तो प्लस वन, सी से डी आया तो फिर प्लस वन, लास्ट तक सब में क्या हो रहा है, प्लस वन ही हो रहा है। तो हमको यहाँ भी क्या करना है, प्लस वन ही करना है। तो प्लस वन कर देते हैं, तो एफ आई जी में प्लस वन करते हैं तो जी जे एच आता है। तो जी जे एच कहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड में लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है, फोर्थ अलग हो गया, फर्स्ट भी अलग हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं ये तीनों चीज़ें दोनों में मिल रही है, आई ई टी यहाँ भी है, आई ई टी यहाँ भी है, यानी कि लास्ट जो है वो डिफरेंट है, तो लास्ट को ही देख लेते हैं। तो टी के बाद प्लस वन करेंगे तो यू आएगा, यानी कि सेकंड जो है वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कथन निष्कर्ष, मैं वही सोच रहा था कि इतनी देर से कथन निष्कर्ष क्यों नहीं आए, है ना। तो कथन निष्कर्ष है तो रोडोडेंड्रॉन स्ट्रॉबेरी है, कुछ रोडोडेंड्रॉन यानी कि कुछ आर जो है वो स्ट्रॉबेरी है यानी कि एस है, सभी स्ट्रॉबेरी सभी एस जो है वो रास्पबेरी है। तो रास्पबेरी है तो आर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, रास्पबेरी हो जाएगी है। हाँ, अब निष्कर्ष क्या है, कुछ राडोस्ट्रॉन रास्पबेरी, कुछ राडोस्ट्रॉन बिल्कुल रास्पबेरी है, ये बात सही निकल रही है। कुछ स्ट्रॉबेरी रोडोस्ट्रॉन है तो कुछ स्ट्रॉबेरी जो है वो, और वो भी रोडोस्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहे हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्या दे रखा है उसने, कुछ पुरुष शिशु है यानी कि कुछ पुरुष, ये कुछ का रिलेशन हो गया, शिशु है मतलब एस है, कुछ पुरुष गंजे नहीं है, तो इतने पुरुष जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, गंजे, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, सभी गंजे शिशु है तो गंजे का शिशु से कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। सभी शिशु पुरुष है तो शिशु का पुरुष से सभी वाला रिलेशन नहीं,
कुछ वाला रिलेशन होता तो हम सही कर देते, तो नहीं निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, फिर से कथन निष्कर्ष का ही। कथन दे रखा है कोई फल सब्जी नहीं है, यानी कि फल जो है वो यहाँ बना देते हैं, सब्जी जो है वो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्रॉस भी लगा देते हैं। कुछ नाइट सब्जियां नहीं है, तो कुछ नाइट यानी कि नाइट बना देते हैं, और कुछ नाइट यानी कि ये वाली कुछ हो गया, ठीक है ना। ये क्या नहीं है, ये नहीं है सब्जियां। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ नाइट फल है तो नाइट का फल से कोई रिलेशन नहीं है, सभी फल नाइट है तो अभी अभी तो बोला है कि नाइट का फल से कोई रिलेशन नहीं, तो न तो निष्कर्ष एक नहीं दो अनुसरण करते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कथन है कोई कीट चूहा नहीं है, तो कीट यानी कि के, ये नहीं है चूहा, मतलब सी मान लेते हैं चूहे को। कुछ चूहे भैंस है, तो चूहे जो है वो कुछ रिलेटेड कर देते हैं बीफ और भैंस। अब निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ भैंस कीट है तो भैंस का कीट से कोई संबंध नहीं है, कुछ भैंस कीट नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कुछ भैंस कीट है तो गलत हो गया, लेकिन कुछ भैंस कीट नहीं है तो बिल्कुल ये बात सही निकल रही है। देखिए ये इतनी सी भैंस जो है वो कीट नहीं है, नहीं वाला कनेक्शन दे रखा है इतनी सी भैंस के साथ में, तो बिल्कुल ये जो है ये बात सही निकल गई, यानी कि सेकेंड अनुसरण करता है। चलिए अब आगे चलने पर हमारा अगला भाग आ गया मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, तो ये जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।